सेशन में हम सीखेंगे कि स्कूल का टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, जो टाइम टेबल को मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं एक यूजिंग एक्सेल, ठीक है, जिसमें क्लासेस हो, पीरियड हो और उसके अंदर टीचर्स हो और सब्जेक्ट वाइज टीचर्स। अब यहाँ पे देखिए पीरियड मैंने लिया है 1 से 8 तक का जो मैंने बनाया, आप इससे ज़्यादा भी बना सकते हो। क्लासेस का मैंने 10 तक किया है, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हो। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक सिस्टम बनाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे टाइम है, टाइम यहाँ 9 o'clock से शुरू, आप इस टाइम को यहाँ डेटा, यहाँ डेटा पैनल है, यहाँ से चेंज करके टाइम को सेट कर। लेट्स अभी स्कूल का टाइम 9 o'clock है, सपोज यहाँ पे 7 o'clock हो गया, तो आपको पूरा कुछ भी नहीं करना, आपको 7 o'clock जैसे ही डालेंगे आप यहाँ पे ऑटोमेटिक 7 o'clock के अकॉर्डिंग जो क्लासेस का पीरियड का डिवाइडेशन हो जाए, इसमें आपको कुछ करना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट, अब देखिए यहाँ पे आपको एक जो पीरियड के अंदर एट ए टाइम एक ही टीचर पढ़ाता है, यानी एक पीरियड में मल्टीपल क्लास में एक टीचर नहीं था, एक ही क्लास के अंदर टीचर पढ़ाएगा। तो इसलिए हमने इस जो कॉलम के अंदर वैलिडेशन डाला है, क्या डाला है कि लेट्स अभी देखिए मैथ्स का क्लास लगी हुई है, अब इसमें देखिए आपको हिंदी की क्लास लगी हुई, तो आप जैसे भी यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपको हिंदी की क्लास यहाँ नहीं दिखाएगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्लासेस लगी है। तो ये एक वैलिडेशन डाला हुआ है, साइंस की क्लास लगी हुई थी, यहाँ पे साइंस का नहीं दिखाएगा। जैसे मैं सोशल साइंस डालता हूँ, अभी आप किसी और ड्रॉप डाउन में क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखिए साइंस की ऑटोमेटिक शो हो गई, यानी कि हम यहाँ वैलिडेशन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ में कुछ नहीं है, टाइम का मैनेजमेंट हो रहा है, उसके साथ सब्जेक्ट वाइज जो टीचर है ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो रहे हैं, और ये जितनी भी जो टाइम टेबल है ये मैं एक डेटा जो डेटा एक पैनल बनाया है मैंने मैनेजमेंट का, उस पैनल से मैं एक कुछ फॉर्मूले हैं मैच टैग और फिल्टर फंक्शन के, मैं इसको यहाँ से फेज करवा के टेबल में लिखा है। तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये डेटा शीट है, देखिए इसके अंदर देखिए टीचर्स का नेम है, सब्जेक्ट है, ये आप अपने हिसाब से कुछ क्या फिल कर सकते हो, सब्जेक्ट हैं, रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, यानी आर के सिंह का सब्जेक्ट है हिंदी, आप और भी कुछ यहाँ डाल सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद क्लास रिलेटेड टीचर सब्जेक्ट, यहाँ हिंदी में 10th कौन पढ़ा रहा है, 9th में हिंदी कौन पढ़ा रहा है, 8th में कौन पढ़ा रहा है, सॉरी यहाँ 10th में हिंदी कौन पढ़ा रहा है, 9th में हिंदी कौन पढ़ा रहा है, सोशल साइंस 8th में सोशल साइंस कौन पढ़ा रहा है। एक टेबल है जो आपको मैनेज बनानी पड़ेगी, जिसके अंदर आप क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज आप टीचर का उसमें नाम को डालना होगा। अब इसको देखते हैं हम इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, मैंने जनरल फॉर्मेट इसका बना लिया है कि जो फॉर्मूले थे उनको सबको रिमूव करके, ठीक है, अभी हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे इनको लॉजिकली कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ये डिजाइनिंग पार्ट है, एक शीट के अंदर मैंने टाइम टेबल बनाया है जिसके अंदर क्लासेस हैं और ये 1, 2, 3, 9 तक का है, फिर यहाँ पे टाइम आएगा और इस रो के अंदर सब्जेक्ट, इसके अंदर टीचर्स का नाम, जैसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक टीचर का नेम यहाँ पे फिल हो जाएगा। दूसरी सीट पे मैंने डेटा मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट पैनल बनाया है जिसके अंदर आप टीचर्स के नेम के साथ हम सब्जेक्ट को यहाँ पे करेंगे। इसके अंदर मैंने पीरियड टाइम मैनेजमेंट जिसके अंदर हम स्कूल का जो ओपन टाइम कब कितने बजे का है उसके हिसाब से हम करेंगे और उसका जो ड्यूरेशन है वो इसके अंदर वो हमें अपडेट करना पड़ेगा। ये एक टेबल है जिसके अंदर क्लास है, 6th से 10th क्लास का नेम है, इधर यहाँ पे सब्जेक्ट के नेम है और इसके अंदर जो रिलेटेड जो टीचर हैं उनकी यहाँ इसके अंदर एंट्री है। ये एक जनरल फॉर्मेट है जो आपको टाइप करके बनाना होता है। ठीक है, अब मेन हम लॉजिक इस पर लगाएंगे कि हमें यहाँ से इस जो पैनल से हैं डेटा को कहाँ करना है, यहाँ पे टाइम टेबल के अंदर करना है, वो कैसे करेंगे वो लॉजिक समझना आप। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक मैंने बना रखा है स्टेटस वैकेंट टीचर पीरियड करके रिकॉर्ड्स करके। ठीक है, इसके अंदर देखिए 1, 2, 3, 4 जो 8 तक की जो जो पीरियड है उसका मैंने एक पूरा बनाया, आप 9 बना तो आपको यहाँ पे 9 तक लेना पड़ेगा, मैंने 8 तक बनाया तो आप 8 तक इसको फिल कर दीजिए। ठीक है, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे आपको फिल्टर फंक्शन लगाना है, फिल्टर के बाद में एरे, एरे यानी यहाँ पे जो हमें सब्जेक्ट को लिस्ट करवाना है, सब्जेक्ट को लिस्ट करवाने के लिए हम क्या करेंगे,
यहाँ से यहाँ तक हम इसको सेलेक्ट कर देंगे और कॉमा को F4 से लॉक भी कर, F4 से इसको लॉक करना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें फिल्टर करना है कि जो हमने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिए वो वापस रिपीट नहीं हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम काउंट इफ फंक्शन यूज करेंगे, जो यू एन काउंट इफ। काउंट इफ के अंदर हमें कहाँ फिल्टर कराना है, टाइम टेबल के अंदर। तो जिस कॉलम के अंदर करना, उस कॉलम को यहाँ से, उस कॉलम में जो सेल है उस सेल को वहाँ से वहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद F4 से लॉक कर लीजिए, इसको लॉक नहीं करना आपको। इसको F4 से क्या करेंगे आप, ओनली इसकी जो कॉलम इसका फिक्स रहेगा, सॉरी इसकी जो रो इसकी फिक्स रहेगी। आपको सिर्फ क्या करना है, कॉलम को चेंज करना है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको लॉक करेंगे टाइम टेबल। लॉक में क्या करना है आपको कि जो कॉलम है रो को आपको फिक्स करना है। तो यहाँ डॉलर साइन के साथ रो को फिक्स कर लीजिए, इसमें भी रो को फिक्स। उसके बाद कॉमा, और कॉमा के बाद डेटा में जो स्पॉट है यहाँ से यहाँ तक और F4 से इसको लॉक कर लीजिए, फिर क्लोज इक्वल अगर MPT हो तो 0 और इसको क्लोज। जैसे एंटर देंगे देखिए यहाँ पे जो स्पॉट है, जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्या हो गए, तो मैं बढ़ा देता हूँ ऑल कॉलम। अभी यहाँ पे इसके अंदर हो गया, वही चीज हमें नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, ड्रैग करना है। अब जैसे ड्रैग करेंगे देखिए इसका सेकंड भी आ गया, फिर सेम आप इसको ड्रैग कीजिए नेक्स्ट पे आ गया, फिर वैसे से नेक्स्ट पे कर लीजिए, फिर इसको नेक्स्ट पे कर। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी यहाँ पे आपको मैच करना है कि F और H, लेकिन यहाँ I के अंदर तो कुछ भी हमने नहीं लिया, बट यहाँ स्टेटस में आप देखोगे तो फिफ्थ के अंदर क्या दिखा रहा है, I। इधर आप देखेंगे देखिए इधर इस रो के अंदर ये जो इस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए तो है यहाँ I आ रहा है यहाँ पे, जबकि फिफ्थ के अंदर यहाँ I नहीं है। यहाँ जो टाइम टेबल के अंदर फिफ्थ के अंदर I नहीं, I वाला ब्लैंक पड़ा तो यहाँ J से ले, जबकि यहाँ पे जो फिफ्थ में जो डेटा पड़े होगा आई के उठा रहा है, आई में कुछ भी नहीं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जे बदलना, आई से जे डालना है। आई से जे कर, उसके बाद इसको आप वापस ड्रैग कीजिए, फिर से ड्रैग कीजिए और फिर से ड्रैग कीजिए ऑटोमेटिक। अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये इसकी जो वैकेंट टीचर्स का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे ड्रॉप डाउन हो। उसके बाद आपको क्या करना है, टाइम टेबल में जाना है। टाइम टेबल में जाने के बाद सब्जेक्ट वाले जितनी भी सेल है उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है डेटा, डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन में जाना है। और डेटा वैलिडेशन जाने के बाद लिस्ट पे क्लिक करेंगे, और लिस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको इसके अंदर ड्रॉप डाउन में यहां से यहां तक सेल वैल्यू को करवाना है, उसको अप्लाई। अब जैसे ही अप्लाई करोगे देखिए इंग्लिश आ रहा है यहाँ पे, तो उसे इंग्लिश देखिए मैंने यहाँ इंग्लिश चूज कर दिया है, लेकिन अब इंग्लिश तो नहीं कर रहा है क्योंकि हमने फिल्टर से इसको एक वैलिडेशन लगा दिया कि जो हमने सेलेक्ट कर दिया वो वापस यहाँ पे तो नहीं हो। अभी मैंने साइंस लगा लिया, साइंस का यहाँ पे भी नहीं। ठीक है, इस तरीके से कंप्यूटर लगा दिया, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे स्पोर्ट्स लगा लिया, स्पोर्ट्स के बाद में मैंने संस्कृत लगा लिया। तो देखिए
ऑटोमेटिक अभी देखिए इस लिस्ट में कुछ भी शो नहीं हो रहा है। पीछे जो रिमेनिंग जो बचे वो क्या करेंगे, स्टेटस के अंदर क्या हो रहे हैं यहाँ। ड्रॉपडाउन में आपको ये सारे फिल करवाने हैं, सेम चीज इसी के अंदर करना, आपको सबको सिलेक्ट करना है, सारे जो सब्जेक्ट वाले जो सेल है उसको सिलेक्ट करना है। फिर से आपको डेटा वैलिडेशन में जाना है, डेटा वैलिडेशन जाने के बाद लिस्ट, और लिस्ट के अंदर आपको अब सेकेंड वाले को सिलेक्ट करना है, फिर जो सेकेंड है तो बेसिकली हिंदी। इस तरीके से ये जो ड्रॉप डाउन मैं सब पे अप्लाई कर लेता हूँ फास्टली, ठीक है। इस तरीके से आपको सबका प्रॉपर तरीके से आपको फिल करना है। देखिए ये ध्यान रखिएगा कि पीरियड थ्री से ही आपको पेज करवाना है, ये नहीं कि आप थ्री का फोर में करा रहे हैं, फोर का फाइव में करा, ये आपको ध्यान। अभी जैसे जैसे आप फिल करोगे ऑटोमेटिक जो सब्जेक्ट हैं ऑटोमेटिक उससे चेंजेज आते रहेंगे। मैथ्स डाल दिए, मैथ्स के बाद डाल दिए, मैथ्स कर लेता हूँ फास्टली। इस तरीके से मैंने एक अपने हिसाब से फिल कर दिए, आप कर सकते हो। लेकिन ये एक ध्यान रखिएगा, आप इंग्लिश के फर्स्ट एंड सेकंड टू फिट्स कंटिन्यू हम इंग्लिश के रख सकते हैं, लेकिन आप सेम टाइम इस करते थे। कॉमन सेंस की बात है कि आप एक टीचर एट ए टाइम एक ही क्लास के अंदर टीच करवाएगा, ठीक है। आप मल्टीपल क्लास में एक टीचर कैसे जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये लॉजिक है। तो हमने देखिए स्टेटस के अकॉर्डिंग हमने ये सारे यहाँ पे ड्रॉप डाउन कर दिए, फर्स्ट काम ये। सेकेंड काम हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे टाइम को फिल कराना है। टाइम को कैसे फिल करवाएंगे, आपको डेटा में जाना है, डेटा के अंदर यहाँ पे अपने को टाइम, हमें एक टाइम को फिल करवाना है। डेटा और डेटा के अंदर डेटा डेटा वैलिडेशन, हर वर्जन का अलग अलग है, आपको डेटा वैलिडेशन करना है। फिर लिस्ट, लिस्ट में जाने के बाद आपको क्या करना है, एक टाइम फिल करना है यहाँ पे 7, 7:30, 8, 8:30, 9, 9:30, 10 ऐसे एक मिक्स टाइम यहाँ पे डालना है। तो हम क्या करेंगे, 7:00 लिख, फिर कॉमा 7:30 के बाद कॉमा, फिर 8:00, फिर कॉमा 8:30, फिर कॉमा 9:00, फिर 9:30 कॉमा 10:00। इस तरह से आपको क्या करना है, एक यहाँ पे फिल कर देना टाइमिंग अपने हिसाब से, इसको अप्लाई। आप जैसे ही अप्लाई करोगे देखिए यहाँ पे 7:00, 7:30, 8:30, 9:00, 9:30, 10 आ।
अब आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट करना है, फिर आपको यहाँ पे फॉर्मेट में जाना है, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाना है, मोड नंबर फॉर्मेट, इसके अंदर आपको सेलेक्ट करना है टाइम, टाइम के अंदर जो नीचे वाला जो फॉर्मेट है टीएमपी वाला उसको। अब यहाँ से देखिए जो भी आप टाइम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे उन्हें एक ड्रॉपडाउन बना दिया, इस ड्रॉपडाउन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे इन सब फिल करवाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एक पीरियड का ड्यूरेशन डालना है, 30 मिनट्स का होगा, 45 मिनट, यहाँ पे भी हम एक ड्रॉपडाउन बना सकते हैं। डेटा में जाना है, डेटा के अंदर वैलिडेशन, और यहाँ पे लिस्ट के अंदर आप डाल दीजिए 30, 45, 60। तो भी आप हमने स्कूल का ओपन टाइम डाल दिया और पीरियड ड्यूरेशन डाल दिया, 30 डाल दो, 45 डाल दो, जो भी आपका डिपेंड ऑन स्कूल। उसके बाद आपको क्या करना है, हमें क्या करना है कि हमने दो चीज या दो डेटा हमने यहाँ डाल दिए, उसका टाइमिंग ये रहेगा और उसका एक पीरियड का टाइमिंग। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है और इक्वल के साथ क्या करेंगे, उस सेल की वैल्यू को यहाँ पे कॉपी कर, इसके लिए क्या करेंगे तो करेंगे एंटर, इस सेल की वैल्यू यहाँ पे आ गई। उसके बाद आपको इक्वल के साथ क्या करना है, ये जो सेल है उसके साथ हम क्या करेंगे प्लस 30 मिनट्स ऐड करना, ऐसे हम 30 मिनट ऐड ही कर सकते, उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा टाइम, टाइम के दिन आवर तो है नहीं जीरो, उसके बाद जो मिनट्स कितने हैं वो मिनट का हम यहाँ क्या करेंगे इस सेल को सिलेक्ट, उसके बाद इसको F4 से लॉक कर दो और कॉमा और जीरो और क्लोज और एंड, ऑटोमेटिकली 30 मिनट्स का गैप इसमें आ गया। तो आप यहाँ तक ड्रैग कर दो, यहाँ तक आप ड्रैग कर दिया, अब ये क्या है कि यहाँ पे आपको आधा घंटे का इसको ब्रेक दिए, इस सेल के अंदर क्या होगा कि 1 आवर का गैप आएगा, आधा घंटे की ये क्लास और आधा घंटा ये, यहाँ पे 12 बजे का टाइम यहाँ पे सो होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करें, इक्वल के साथ क्या करेंगे, ये जो टाइम है इस टाइम के साथ 30 मिनट्स को हमें ऐड करना है, मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, जीरो फिर कॉमा और ये जो वैल्यू है F4 से लॉक को नहीं करें तो भी ठीक, नहीं कोई बात नहीं, कॉमा और फिर जीरो क्लोज और मल्टीप्लाई बाई 2 एंड, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ये जो वैल्यू है उसके साथ हमें क्या ऐड करना है, 30 मिनट्स ऐड करना है, टाइम टाइम के साथ जीरो फिर कॉमा और ये जो टाइम है, ये टाइम है F4 से लॉक करेंगे और जीरो क्लोज एंड एंटर 12:30। अब इसको ड्रैग कर दो यहाँ, ऑटोमेटिक देखिए इसका टाइम यहाँ पे सेट हो गया। अब यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, अगर कोई भी समय सेलेक्ट में यहाँ पे 8 o'clock डालता हूँ तो जो भी जो 8 पीरियड्स का टाइमिंग है वो 8 o'clock में जो 8 o'clock से ले लेगा और 12 o'clock से चलेगा। इस तरह से आप एक ऑटोमेटिक इसका जो टाइमिंग है वहाँ यहाँ पे आप सेट कर। अभी हमें क्या करना है कि हम जैसे ही सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें यहाँ पे टीचर्स का जो नेम है ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाता। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो डेटा के अंदर जो टेबल है हमें इस टेबल से डेटा को फेच करवाना है, और वो कैसे फेच कराएंगे उसके लिए हमें इंडेक्स मैच दो फॉर्मूले का हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। जी तो उसको कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे आपको इक्वल के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल इफ एरर डाल दीजिए, एरर। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंडेक्स 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 के अंदर हम क्या करेंगे एरे यानी जो टेबल है उस टेबल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से लगा करके आपको यहाँ तक उस टेबल को उसके बाद इसको F4 से लॉक कर लीजिए क्योंकि ये टेबल हर जो कॉलम के अंदर फिक्स रहे, F4 से लॉक कर दो। फिर इसके बाद कॉमा,
अब हमें क्या करना है कि हमने टेबल को सिलेक्ट कर दिया, अब हम इस टेबल के अंदर से हमें पर्टिकुलर लेट्स ये रेखा है, इसका रो नंबर, इसका रो नंबर क्या है और इसका कॉलम नंबर क्या है, ये पता करना है। ये एरे फॉर्मेट में यहाँ से डेटा को फेच करेगा। ओके, अब यहाँ पे मैं उसके लिए मैं क्या लूंगा, मैच फंक्शन, MHG मैच। अब मैच में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सब्जेक्ट, पर्टिकुलर टीचर किस सब्जेक्ट से बिलोंग करता है, उसके लिए मैच की जो मेरे को लुकअप वैल्यू कहाँ मिलेगी वो मैं यहाँ से ये जो सब्जेक्ट है इसको सिलेक्ट करूँगा। और इसके अंदर मेरे को क्या करना है कि कॉलम को फिक्स नहीं करके मेरे को रो को फिक्स करना है। यहाँ पे मैं डॉलर साइन लगा दूंगा, किसके बाद, कॉलम के बाद, फिर कॉमा। ये वैल्यू मेरे को कहाँ से मिलेगी, तो आपको डेटा में जाना है और डेटा में जाके तो यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर, ठीक है, और इसको भी F4 से आपको लॉक कर और इसको क्लोज। अभी हमने क्या किया, सब्जेक्ट रिलेटेड सब्जेक्ट और टीचर को हमने फेच करवा दिया। उसके साथ हम करवाएंगे कि क्लास के साथ, जो क्लास है उस क्लास के साथ टीचर को हम फेच करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर से फॉर्म लगाना है मैच। अब इस मैच के साथ हम क्या करेंगे, अभी हमें क्लास को लेना है, यहाँ क्लास को हमने सेलेक्ट कर दिया और इस क्लास को हमें क्या करना है, इसको फुली लॉक करना है F4 से, पूरा ही लॉक होगा, फिर कॉमा। ये वैल्यू इसका जो टेबल है रुको पेरे की वैल्यू हमें कहाँ मिलेगी, हमें इसको यहाँ से लगा करके यहाँ तक सेलेक्ट और इसको भी F4 से लॉक, इसको हम क्लोज करेंगे। फिर एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ 0 लगाएंगे, सॉरी यहाँ एक मैंने मिस्टेक कर दी है कि मैच के साथ हमें मैच के लिए 0 लगाना, तो यहाँ पे भी हमें कॉमा के साथ 0 यूज करना है और यहाँ पे भी हम कॉमा के साथ क्या करेंगे, 0 यूज करना। और अगर ये एरर हो तो क्या करें, इसको खाली ब्लैंक छोड़ दे, सॉरी हमने कितने क्लोज किए हैं, 2 किए, सॉरी ओपन किए, 2 क्लोज करेंगे, फिर कॉमा, फिर अगर एरर हो उसको ब्लैंक छोड़ दे, इसको क्लोज करेंगे और आपको इसको एंटर, तो जैसे ही एंटर करोगे जो कंप्यूटर टीचर प्रियंका है उसको उस कौन से 10th में जो कंप्यूटर टीचर कौन है प्रियंका, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो गई, कंप्यूटर टीचर कौन है प्रियंका 10th के अंदर। अब यहाँ पे मैं कोई और नाम डालता हूँ, प्रिया डालूंगा, आप देखिए यहाँ पे प्रिया शो कर ऑटोमेटिक, जैसे ही आपको यहाँ पे जो अपडेट करोगे वो यहाँ पे हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है कि कुछ नहीं करना, आपको यहाँ इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अब यहाँ के लिए क्या करना है, आपको इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसको मर्ज एंड सेंटर को अनमर्ज कर लीजिए एक बार, ताकि ये सब पे एक साथ फिल हो, फिर यहाँ से इसको ड्रॉप कर लीजिए, ये फॉर्मूला सब पे फिट। अभी आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला सेट होगा, अभी सेम फॉर्मूला सब पे फॉलो करना है, लेकिन हमें यहाँ पे क्लास और सब्जेक्ट का जो सेल वैल्यू वो चेंज करनी है, बस इतना सा करना है। इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी कर, सी करने के देन आप इसमें जाइए, इसमें जाने के पहले पता कर लीजिए ये क्या है, C7 है और ये C7 और E7, ठीक है। यहाँ पे जाना है आपको, कंट्रोल वी करना है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ ओनली ये चीज चेंज होगी, सेवन और यहाँ पे कुछ मिस्टेक एच नहीं आना चाहिए यहाँ पे, हाँ टाइम टेबल से एच नहीं, यहाँ एच नहीं आना, यहाँ पे हम क्या करेंगे इस सेल को कॉपी करना है, कंट्रोल ए और सी, फिर यहाँ पे जाकर के कंट्रोल वी करना है और यहाँ पे वैल्यू क्या करनी है, आप 5 की जगह 7 कर, यहाँ पे भी 7 और एंटर, कुछ भी चेंज नहीं करना है। यहाँ पे भी देख लीजिए इसकी वैल्यू क्या है, 9 है, इधर भी 9 है, सेम
फॉर्मूले को यहाँ से करो, यहाँ पे ये कर दो, और यहाँ पे आपको क्या करना है C9 करना, और यहाँ पे C9 और एंटर। फिर से वही है, यहाँ पे भी कोई फॉर्मूला फॉलो करना है। नाइन के बाद में देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, 9 या आई थिंक 11 आएगा ना, 11 करता हूँ, एंटर, 11 ही। लास्ट ये क्या है, इसका है 13, सेम यहाँ पे भी आप कॉपी कर लीजिए इसके साथ और 13 लिख लीजिए यहाँ पे। अभी देखिए ये फिल हो गया, और यहां से आपको कुछ ही नहीं करना है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, इसको भी आप यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। को भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर, थोड़ा सेट कर लीजिए। अब देखिए सब फिल हो गया, और इसको वापस से सिलेक्ट करेंगे यहाँ, और यहाँ पे जाकर के आपको क्या करना है, अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, तो यहाँ का जो कलर है वो आप एक बार वापस सिलेक्ट करके, मैं इसको कर लेता हूँ वापस अपने हिसाब से, किस तरह से मैंने क्या किया है, तो एक प्रॉपर वे में आपने चेंज वो मैथ्स का आपने संस्कृत किया, तो यदि कंप्यूटर का मैं जैसे चेंज करता हूँ कोर्स का लगा लिया, तो ऑटोमेटिक मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा नेट का इशू है, थोड़ा स्लो आपकी प्रॉपर स्पीड आ रही है, आप देख कंप्यूटर का डाला ऑटोमेटिक कंप्यूटर टीचर से आप मैच कर सकते हो, और कि 7 के अंदर कंप्यूटर टीचर आए क्लास 7 कंप्यूटर टीचर, यहाँ पे आप कुछ और डाल के देख लीजिए, आपको अगर क्रॉस चेक करना है तो ऑन करके डाल ऑटोमेटिक, देखिए यहाँ पे नाम चेंज, आप यहाँ से डेटा को अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, फुली ऑटोमेटिक सिस्टम है, आप यहाँ से जो भी चेंज करेंगे ऑटोमेटिक, इस अगर आप इस पैनल को मैनेज करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे सब मैनेज हो जाएगा, आपका ये जो फर्स्ट पीरियड में कोई भी सब्जेक्ट टीचर रिपीट नहीं होगा, आप ऐसे कंटिन्यू कर सकते हो, सपोज कंप्यूटर का टीचर 1 या 2 दो पीरियड एक साथ कंटिन्यू हो सकते हैं, लेकिन सेम टाइम मल्टीपल क्लास में इसका नहीं होगा। ओके, आप वैकेंट का भी यहाँ पे अपडेट कर सकते हो अपने हिसाब से, थोड़ा लॉजिक लगाएगा तो वैकेंट का भी हो जाएगा, वैकेंट में आपने जैसे रमेश सुरेश ऐसे दे रहे हैं क्लास में वैकेंट लगाना, जैसे मैं आप देखिए वैकेंट चूज जैसे मैं 6th में वैकेंट चूज करता हूँ, तो ऑटोमेटिक ये ज्योति करके आ जाएगा। इस तरीके से आप एक ऑटोमेटिक सिस्टम बना सकते हैं, आप इसमें और अपने लॉजिक लगा करके और इसको अच्छा कर सकते हैं। होप सो ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा।